हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाएगा, और बस इन प्रश्नों को पढ़ लो, 100% यही से प्रश्न आएंगे। मैं आपको 100% कह सकता हूं कि यही से प्रश्न आने वाला है, और टारगेट 90+ है। तो आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो, जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आपके सर पर है। तो आप लोग आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आइए हम लोग देखते हैं एक प्रश्नों को, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है, यहां ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। चैप्टर एक से लेकर लास्ट तक पढ़ाने वाला हूं, आप लोग नोट कर लो, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया जाए इन सारे प्रश्नों को आपको नोट करना है और एक सुंदर सा नोट्स बनाना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यही है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। जो यंग इटली सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन का है गैरिबाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूर एंड घा है मेजनी। तो अब आप लोग बताओ कि यंग इटली सोसाइटी जो था उसका संस्थापक कौन था। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है मेजनी, ठीक है। जो यंग इटली सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन था, मेजनी था। याद रखना, पहला प्रश्न हमारा हो चुका है और नोट कर लो जो जो प्रश्न बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ हुआ है। जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। आपके पास ऑप्शन का है जर्मनी, खा ऑप्शन है इटली, गा ऑप्शन है फ्रांस एंड घा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो अब आप लोग बताओ कि जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ है, फ्रांस देश से, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, फ्रांस से। याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन नोट करना है, बार बार रिविजन करना है, याद करना है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। आपको यहां बताना है जो महात्मा गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका गए थे तो दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे। का नंबर ऑप्शन है 1914 ईस्वी, खा है 1915 ईस्वी, गा है 1918 ईस्वी एंड घा है 1919 ईस्वी। तो अब आप लोग बताओ जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब वापस लौटे, 1915 ईस्वी में। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है उतना VIMP बताया जा रहा है, इन क्वेश्चन को याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। मेहनत करो, आप लोग जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा, और मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं लगातार, केवल आप लोग मेहनत करके पढ़ो, जितना पढ़ाया जाए उसका नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिविजन करो, ठीक है। सुबह उठकर पढ़ो, सारी चीजें आपके ऊपर है। यहां क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन है उसका मुख्य कारण क्या था। का है रॉलेट एक्ट, खा है खिलाफत आंदोलन, गा है प्रथम विश्व युद्ध एंड घा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो असहयोग आंदोलन है उसका जो मेन रीजन यानी कि मुख्य कारण था वो क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, लेकिन जो असहयोग आंदोलन है उसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। क्या था, खिलाफत आंदोलन। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, खिलाफत आंदोलन। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां आप लोग देखो, लिखा हुआ है महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। एक महामंडी का प्रारंभ हुआ था तो उसका प्रारंभ किस वर्ष में हुआ, ठीक है। यहां आपके पास ऑप्शन का है 1919 ईस्वी, खा आपका है 1924, गा आपका है 1929 एंड घा आपका है 1934 ईस्वी। तो फिर आप लोग बताओ कि जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो महामंडी का जो प्रारंभ हुआ वो था 1929 ईस्वी में। कब हुआ, 1929 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन याद कर लेना, आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नोट्स बना लेना और आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। का आपका है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क एंड घा है आपका ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के बाद मत भूलना, ठीक है। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोग देखो, जो क्वेश्चन नंबर सेवन है इसमें क्या कह रहा है कि अनुबंध व्यवस्था को किस और नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था, ठीक है, इसको मैंने टेस्ट में लिया था क्वेश्चन को, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। का आपका है आपसी समझौता, खा है गुलाम प्रथा, एंड गा है आपका सशस्त्र प्रथा, एंड घा है नई दास प्रथा। तो आप लोग बताओ कि जो अनुबंध व्यवस्था है उसे और किस नाम से जाना जाता है या फिर किस और नाम से जाना जाता है। तो वो है आपका नई दास प्रथा। किस नाम से? नई दास प्रथा। तो अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना सारे क्वेश्चंस जितना बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेवन। अब हम लोग देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर एट है। क्वेश्चन नंबर एट पर आप ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर एट कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको कई सारी मिट्टियां जो भारत में पाई जाती हैं वो बताया है। जैसे मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ऐसे कई सारी मिट्टियां मैंने आपको पढ़ाया है। अब आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी नहीं है। तो यहां आप देखो, काली मिट्टी भी मैंने पढ़ाया है तो काली एक प्रकार की मिट्टी है। खा का लेटराइट मिट्टी भी मैंने पढ़ाया है तो लेटराइट मिट्टी ही है। एंड गा मैंने पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सारी चीजें पढ़ाया, लेकिन इट इज नॉट सीमेंट। नहीं, सीमेंट कोई मिट्टी नहीं है, इससे तो केवल घर बनाया जाता है, तो ये कोई मिट्टी नहीं है। तो निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार क्या नहीं है? वो है सीमेंट। तो सीमेंट नहीं है, ठीक है, याद आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है तो वो है सीमेंट। सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में आप लोग समझो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखो, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है, जिससे भूमि नष्ट होता है उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो यहां सबसे मेन, इन सबसे भूमि का होता है, भूमि का आपका निम्नीकरण, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो, तो का आपका ऑप्शन है गहन खेती, खा आपका है वन उन्मूलन, गा आपका है अधिक सिंचाई, घा है आपका अति पशुचारण। देखो, अति पशुचारण से भी होता है, लेकिन जब पंजाब की बात की जाए तो वहां अधिक सिंचाई के कारण ज्यादा भूमि निम्नीकरण होता है, अधिक सिंचाई के कारण। तो यहां क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा कि पंजाब में जो है अधिक सिंचाई, जो है ना, अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण ज्यादा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप, नाइन क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन नोट कर लो। नौ क्वेश्चन तक अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नोट्स बना लोगे तो यही नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे, और यही नोट्स आप पढ़कर चले जाओगे, और अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे देखते चले जाओगे तो दो तीन दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन आप लोग ध्यान से देखो, लिखा क्या है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। मैंने आपको कई सारी मृदाएं बताई हैं, ठीक है, इसमें से कौन सी मृदा जो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। का आपका ऑप्शन है काली मृदा, खा आपका है लाल मृदा, गा है जलोढ़ मृदा, एंड घा आपका है लेटराइट मृदा। अब आप कैसे जानोगे आखिर कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो थोड़ा सा एक ट्रिक समझो आप। देखो, लिखा हुआ है कपास, ठीक है, तो कपास में क्या आता है आगे, का आता है ना, और का से कौन सी मृदा इसमें है देख लो, बस उसी पर टिक लगा दो। तो का से काली मृदा, और काली मृदा आपका बिल्कुल सही है। तो काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टेन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो वो हमारा है काली मृदा। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, एक आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन, तो यहां आपका का है मृदा संरक्षण, खा है आपका वन संरक्षण, गा आपका जल संरक्षण, एंड घा आपका है वायु संरक्षण। तो बता दिया जाए, जो चिपको आंदोलन है, पहले क्या होता था, पेड़ों को काटा जाता था, तो उसी पेड़ों को काटने से रोकने के लिए, मतलब ना काटा जाए उसको रोकने के लिए, जो आदमी थे, मनुष्य थे, वो पेड़ों से चिपक जाते थे, तो वो किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से, याद रखना। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, सारे क्वेश्चन याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीआईएमपी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। चार है आपके, आपके रबी फसल कौन सा है,
ऑप्शन क आपका है चावल, ख आपका है मोटे अनाज, ग आपका है चना या फिर काला चना, एड घ आपका कपास। तो यहां आपको बताना है जो रबी फसल, रबी फसल आपका इसमें से कौन सा है। देखो चावल तो रबी फसल है नहीं, मोटे अनाज भी नहीं है, यहां से जो आपका रबी फसल है वो है आपका चना या फिर कह सकते हो काला चना, काला चना कह सकते हो या फिर चना कह सकते हो, ये क्या है एक प्रकार की रबी फसल है। ओके तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसके जिसमें रेशे होते हैं, रेशेदार फसल बताना है। तो यहां आपके पास ऑप्शन का है जूट, ख ऑप्शन है कॉफी, ग ऑप्शन है जौ, घ ऑप्शन है आपका रबड़। तो यहां आपको ऑप्शन तो चार हैं लेकिन बच्चे जान नहीं पाते आखिर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो दो आपका रेशेदार फसल की बात की गई है, तो रेशेदार फसल में आपका जो जूट होता है ना, जूट, जूट आपका रेशेदार फसल होता है क्योंकि जूट जो होता है वो कुछ रेशे टाइप का होता भी है, तो इसीलिए जो जूट है वो एक रेशेदार फसल है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। देखो यहां आपसे क्या कह रहा है, यहां देखो लिखा हुआ झारखंड में स्थित कोडरमा, क्या है ये कोडरमा ध्यान से समझना, कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक माना जाता है, जो झारखंड में स्थित है, कहां स्थित है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक माना जाता है, क आपका है बॉक्साइड, ख आपका है अर्वरक, ग आपका है लौह अयस्क, घ आपका तांबा। तो जो आपका कोडरमा है ना, कोडरमा सबसे ज्यादा उपयुक्त किसके लिए माना जाता है, वो है आपका अर्वरक, किसके लिए अर्वरक के लिए माना जाता है। तो याद रखना अर्वरक के लिए कोडरमा माना जाता है। तो यहां से आपको समझ में आया आखिर जो आपका कोडरमा है वो किसके लिए जाना जाता है, तो वो अर्वरक। ठीक है यहां आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है। यहां भारत के चार राज्य दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि जो विशाल केंद्र पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र, तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है। ठीक है का ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, ख है आपका तमिलनाडु, ग आपका है हिमाचल प्रदेश, घ है आपका राजस्थान। तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो इन चारों में से कहां है, तो जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो है तमिलनाडु में, कहाँ है तमिलनाडु में। तो आप याद रखना जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। यहां से आपका 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है तो आप लोग सारे क्वेश्चन नोट कर लो स्टेप बाय स्टेप जितना पढ़ाया जा रहा है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। आपको बताना है ऐसा कौन सा परिवहन, चार ऑप्शन है इसमें से जो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साधन है। क आपका है पाइपलाइन, ख है आपका सड़क परिवहन, ग आपका है रेल परिवहन, घ आपका है वायु परिवहन। तो अगर आप अपने मन से बताओ इसमें से कौन सा परिवहन हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। देखो रेल परिवहन आप कैसे कह सकते हो, रेल परिवहन तो आप रेल पर कहीं एक दो बार बैठे होंगे, वायु परिवहन पर आई होप बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं बैठे होंगे, लेकिन सड़क परिवहन इट इज बेस्ट। कुछ लाना है कुछ ले जाना है तो सड़क का काम लगेगा, कहीं जाना है बाइक से जाना है तो भी सड़क का काम लगेगा। ठीक है तो सड़क परिवहन सबसे ज्यादा उपयुक्त एंड प्रमुख साधन माना जाता है भारत में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओके क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। देखो नाम तो आपको लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है, ख है आपका महाराष्ट्र, ग आपका है गुजरात एंड घ है उत्तर प्रदेश। तो यहां से आप कौन सा कह सकते हो, तो वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है कहां से, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। ठीक है ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप देखो लिखा हुआ है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। श्रीलंका, जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। आपके पास ऑप्शन का है 1947 में, ख ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, ख ग है 1948 में, घ 1947 में। तो भाई श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, याद है किसी को, थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप का है, तो वो है 1948 ईस्वी में। कब,
1948 ईस्वी में श्रीलंका जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया, ठीक है, हो चुका है। अब आपका प्रश्न नंबर 19 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। तो यहां आप देखो, का है मणिपुर, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है अरुणाचल प्रदेश, घा है दिल्ली। इसमें से एक संघीय राज्य कौन सा है, नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो इसमें से जो दिल्ली है, दिल्ली को लाइक एज एक सिटी माना जाता है, तो ये जो दिल्ली है ये कोई संघीय राज्य नहीं है, इसीलिए इसमें आपका ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो वो आपका है दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, याद रखना, सारे क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित हैं। यहां आपके पास चार ऑप्शन है, जो महिलाओं का आरक्षण होता है वो इनमें से किसमें सुनिश्चित माना जाता है। का आपका है विधानसभा, खा है आपका लोकसभा, गा है राज्यसभा, घा है आपका पंचायती राज संस्थाओं में। तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण कहां सुनिश्चित है, देखो भाई, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सभी जगह नहीं होते, जो आपका पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, जहां से चुनाव होता है वहां से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है, सारे क्वेश्चन याद कर लो, क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट कर लो, ठीक है, मेहनत कर लो, जितना मेहनत आज कर लोगे उतना ज्यादा आपको कुछ दिन बाद जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब दिखाई देगा कि हमने मेहनत किया था, तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आया हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर आप ध्यान दो, लिखा हुआ है धर्म की सामाजिक समुदाय का काम करता है या मान्यता किस पर आधारित है। जो धर्म है, धर्म की सामाजिक समुदाय का काम करता है या मान्यता किस पर आधारित है। का ऑप्शन है धर्म पर, खा है संप्रदाय पर, एंड गा है आपका संप्रदाय पर, एंड घा है, ये है संप्रदाय, है समुदाय, समुदाय पर, एंड घा आपका है सांप्रदायिकता पर। देखो संप्रदाय और सांप्रदायिकता, ये इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका सांप्रदायिकता है वो बिल्कुल सही है, सांप्रदायिकता पर आधारित है, ठीक है, सांप्रदायिकता याद रखना, जो आपका धर्म की सामाजिक समुदाय का जो आपका काम करता है या मान्यता कहां स्थित है, कहां आपका मान्य आधारित है, किस पर आधारित है, तो वो है आपका सांप्रदायिकता पर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर, जो नेपाल है, नेपाल लोकतंत्र की स्थापना हुई, नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना कब हुई या हुई। आपके पास ऑप्शन का है 2005 ईस्वी में या 2005 में, खा है 2006 में, गा है 2008 में, एंड घा है 2015 में। तो जो नेपाल है, नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई वो हुई 2008 ईस्वी में, कब हुआ 2008 ईस्वी में, याद रखना, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई 2008 ईस्वी में। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लिखा हुआ है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो मानव अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है, देखो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन जनरल नॉलेज की टाइप का है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना जरूरी है ये सारी क्वेश्चंस। आपके पास का ऑप्शन है 10 दिसंबर, खा है 14 नवंबर, गा है आपका 5 सितंबर, एंड घा है 15 अगस्त। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मानव का अधिकार जो होता है वो, तो मानव अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 नंबर, चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर देखो कमजोर होती है, का ऑप्शन है, खा है आपका मजबूर, देखो मजबूर और मजबूत अंतर है भाई, देखो ये मजबूर लिखा हुआ है, गा है मजबूत होती हैं, एंड गा है व्यवस्थित होती हैं। जो चुनौतियां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, चुनौतियों से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या होती है, मजबूत होती है, क्या होती है, मजबूत होती है। तो चुनौतियों से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन देखो, यहां ध्यान से,
इसमें क्या कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित तीन सूचियों में से, तीन सूची को संविधान में उल्लेखित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है या शामिल है। इसमें चार आपके ऑप्शंस हैं और इसमें से जो आपका समवर्ती सूची है उसमें आपका कौन सा सम्मिलित है। ऑप्शन तो आपके पास चारों हैं, का है शिक्षा, खा है आपका पुलिस, गा है कृषि एंड घा है रक्षा। लेकिन यहां आप ध्यान दो, यहां समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, समवर्ती सूची में कौन शामिल है, तो वो है आपका शिक्षा। शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कहा गया जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आपका शामिल है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, आप नोट कर लो सारे क्वेश्चन। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर आप ध्यान दो, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। यहां आपके पास चार ऑप्शंस हैं और इसमें से आपको बताना है कि औसत आय का और दूसरा नाम क्या है, या निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं। का है आपका कुल आय, खा है प्रति व्यक्ति आय, गा है राष्ट्रीय आय, घा है ये सभी। तो जो औसत आय है, औसत मतलब औसत निकालना, जैसे जितनी भी जनसंख्याएं हैं उनमें से एक एक व्यक्तियों का आय, तो भाई औसत आय को एक और नाम कहा जाता है, उसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय का भी मतलब होता है प्रति मतलब एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति आय यानी कि एक एक व्यक्तियों का आय। तो इसीलिए जो औसत आय है इसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। देखो यहां भारत के चार राज्य दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है किसकी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। तो यहां का नंबर है हरियाणा, खा है आपका बिहार, गा है राजस्थान एंड घा है आपका मेघालय। तो चलो जल्दी से बताओ आखिर क्या है उसका सही आंसर। तो यहां जो आपका सही आंसर है वो है आपका हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है हरियाणा, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। जो एक वस्तु है उसका सबसे ज्यादा जो अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है तो उसे कहा जाता है। का नंबर है प्राथमिक, खा है द्वितीयक, गा है तृतीयक या घा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो आपका प्राकृतिक से सबसे ज्यादा जिसमें निर्माण होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, याद है, उसे कहा जाता है प्राथमिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक, याद रखना प्राथमिक कहा जाता है, याद रहेगा ना। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ना याद हो तो नोट कर लो, बार बार याद करो, रिवीजन करो, मेहनत करो, ठीक है, तभी आप लोगों को ये याद होगा, ना याद हो तब। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड काफी तेज है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्पादन का साधन है। का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं एंड घा है कर। तो यहां आप लोग बताओ इसमें से कौन सा एक जो मतलब उत्पादन का साधन है। देखो यहां तो आपके लाभ, लाभ तो कोई साधन है नहीं, अगर आप पूंजी लगाओगे तो फिर लाभ मिलेगा। तो यहां से है तो भाई पूंजी, पूंजी जब लगाओगे तभी उत्पादन होगा, ठीक है। तो पूंजी आपका सही है, तो ये आप लोग याद रखना पूंजी जो है वो एक उत्पादन का साधन है, ओके। लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन और इससे बाहर नहीं आएगा जितना बताया गया है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ऑप्शन है 1982 में, खा है 1984 में, गा है 1985 में एंड घा है 1986 में। तो इसका सही आंसर होगा 1986 में। तो जितना बताया गया है अगर इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो फिर आप लोगों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आप लोग मेहनत करके पढ़ो क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम भी बहुत ज्यादा नजदीक है और आप लोगों को 90% लाने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो फिर चलो हम लोग इस सामाजिक विज्ञान के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है? देखो किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई, ये आपके पहले ही चैप्टर से है और इसमें आपको बताना है कि ऐसे कौन से प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई।
तो ये आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप लोग उत्तर डालिएगा और इसका अगर आप आंसर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा फ्रेडरिक सारियू। क्या होगा? फ्रेडरिक सारियू, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन याद रखना या फिर ये आपका आंसर है फ्रेडरिक सारियू ने। और अगर आपसे पूछा जाए किस ईस्वी में तो आप बता देना 1848 ईस्वी में। ओके, तो ये है हमारा पहला प्रश्न जो कि आप लोगों को पता चल गया कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई। इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेडरिक सारियू और ये जो सन है 1848 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? जो असहयोग आंदोलन है वो कब वापस लिया गया और क्यों वापस लिया गया, ठीक है। ये पहले बताना है कि कौन सी ईस्वी यानी कि किस ईस्वी में वापस लिया गया और किस कारण या फिर क्यों वापस लिया गया, ठीक है। तो यहां आपको डालना होगा उत्तर और आपको लिखना होगा जो ये इसका सही आंसर, ठीक है। तो यहां आपको लिखना जो असहयोग आंदोलन है, क्या है? असहयोग आंदोलन, ठीक है। आपने देखा होगा, असहयोग आंदोलन को पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान की बुक में। तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी, कब की बात है? 1922 ईस्वी में। और ये जो कब, तो ये आप लोगों को पता चल गया कब, 1922 ईस्वी में। और क्यों, तो क्यों का अर्थ में चौरी चौरा घटना। कौन सी घटना? चौरी चौरा घटना, ठीक है। पता होगा चौरी चौरा की घटना, आप लोगों को नाम सुना होगा ये, ठीक है। घटना के कारण, सॉरी, घटना के कारण वापस लिया गया, के कारण वापस लिया गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टू और जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो इसमें पूछा गया। असहयोग आंदोलन कब, तो कब आपको पता चल गया 1922 ईस्वी में, और वापस क्यों लिया गया, तो वो है चौरी चौरा घटना के कारण, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टू और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? जो आयात शुल्क होता है उससे आप क्या समझते हो? आयात शुल्क का नाम सुना होगा, तो यहां इसका उत्तर होगा कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज, जो कोई दूसरे देश से मंगाया जाता है चीज, ठीक है। तो आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला, यानी कि वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह पर लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है, जिस जगह से ये चीज देश में प्रवेश करती है, यानी कि जो सीमा पर, यानी कि सीमा से अगर देश में वो चीज प्रवेश करता है तो वहां से वो लिया जाएगा आयात शुल्क, या फिर बंदरगाह पर, जैसे बंदरगाह से अपने देश में प्रवेश करता है जो चीज आपने दूसरे देश से मंगाया है, या फिर हवाई अड्डे से, अगर हवाई अड्डे से प्रवेश करता है तो हवाई अड्डे से लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर या फिर किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, ठीक है, यह कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है, जैसे वो जगह जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है। जैसे जब अगर हवाई अड्डे से वो चीज प्रवेश करेगा तो इस अड्डे पर हम लोग ये वसूल करेंगे, अगर बंदरगाह से करेगा तो बंदरगाह से हम लोग आयात शुल्क को वसूल करेंगे, या फिर सीमा पर, जो सीमा होता है ना बॉर्डर, वहां पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर फोर अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। आपको यहां क्या बताना है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, जो मिट्टियां हैं। तो यहां आप लोग उत्तर डालिए और भारत में पाई जाने वाली जो जो मृदाएं हैं उसका नाम लिख दो। तो भारत में तो वैसे बहुत सारी मृदाएं पाई जाती हैं, लेकिन भारत में जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, बहुत सारी मृदाएं हैं, मैं नाम बता रहा हूं, जलोढ़ मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, जो आप लोगों की काली मृदा है, भारत में बहुत सारी मृदाएं पाई जाती हैं, एंड लाल मृदा, लाल व पीली, ठीक है, ये सारी मृदाएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं, पीली मृदा, ठीक है, और सारी मृदाएं, मैं आपको सारी मृदाएं बता देता हूं। यहां जो लेटराइट मृदा, ठीक है, ये भी भारत में पाई जाती हैं, और आपका जो है मरुस्थलीय मृदा, जो मरुस्थल में पाया जाता है, ये सारी जो मृदाएं हैं ये भारत में हैं, अलग अलग राज्य में हैं, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, और बताया जाए मरुस्थलीय मृदा व वन, वन मृदा जो वन में पाया जाता है, वन मृदा, ठीक है, वन मृदा, ठीक है,
एंड पाई जाती हैं। इतनी सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। अब आपको क्या पता चला यहां से, जो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल हुआ पीली मृदा एंड लेदराइट मृदा एंड मरुस्थलीय मृदा व वन मृदा पाई जाती है, इतना आपको पता चला। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और जो भारत में मृदाएं पाई जाती हैं उसके बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, ये सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं, भारत में जो महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं उसका नाम बताना है। तो जो रोपण फसलें हैं उनका नाम बताना है। तो देखो, भारत में जो चाय है ये भी एक रोपण फसल है, कॉफी जो है ये भी एक रोपण ही फसल है, एंड रबड़ भी एक रोपण फसल है, एंड गन्ना भी रोपण फसल है, आदि जो है महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। देखो ये सारी जो है रोपण फसलें हैं, जैसे आपका चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, ये सारे जो होते हैं ना भारत के रोपण फसलें होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी है, तो आपको बता देना है चाय, कॉफी, रबड़ एंड गन्ना आदि, ये सारे आपके रोपण फसलें हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको समझना है कि खनिज क्या है। हाँ भाई, देखो खनिज क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप साइंस में भी पढ़ा होगा खनिज, अयस्क, ये सारी चीजें, लेकिन यहां हम लोग देखेंगे खनिज क्या है। तो खनिज जो है ना, खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं, जैसे ये एक प्राकृतिक साधन है, तो खनिज जो है उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होता है। शैल मतलब जो चट्टान होती है, शैलों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो खनिज क्या है, उन प्राकृतिक साधनों का को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होती है। अब देखो, जैसे भू वैज्ञानिकों के अनुसार, जो भू के वैज्ञानिक हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, यानी कि समरूप, जिसकी मतलब रूप होता है समान होता है। तो जो भू वैज्ञानिक के अनुसार क्या कह रहा है, खनिज जो है ना एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। जिसकी क्या है, एक निश्चित आंतरिक संरचना है, मतलब इसकी भी संरचनाएं हैं लेकिन ये क्या है, एक निश्चित तथा जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं वो होती हैं। लेकिन खनिज जो है प्राकृत में अनेक रूपों में पाया जाता है, कई रूपों में खनिज भी पाए जाते हैं प्राकृत में, जिनमें जैसे कठोर खनिज होते हैं एंड ठोस खनिज, नरम खनिज, ठीक है, एंड चूना तक शामिल होते हैं। ये सारे खनिज हैं, ठोस भी पाए जाते हैं, नरम भी पाए जाते हैं, कठोर भी पाए जाते हैं, और जो चूना होता है ये भी एक खनिज ही है। तो ये है नरम चूना जो होता है, ठीक है, नरम चूना। तो ये है हमारा आखिर खनिज होता क्या है और प्रकृति में जो विद्यमान होते हैं खनिज। ठीक है, अब हमारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन जो हमारा क्या कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका क्या है। जो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका क्या है, जैसे जो तरीके थे पहले वो तो थे लेकिन अब दूसरा तरीका जो बना है वो क्या है। तो यहां उत्तर देखो, पहला, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। मतलब जो बड़े देश हैं, बड़े देशों के द्वारा जो अपनी आंतरिक विविधता है को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, जो राज्य हैं उनका गठन करना। ठीक है, तो ये आपका पहला जो मतलब तरीका है, नया तरीका है संघीय शासन व्यवस्था का, ये है पहला तरीका। ठीक है, दूसरा समझो कि राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जो मतलब राज्य है और राष्ट्रीय सरकार है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और इनके बीच में जो सत्ता है ना, सत्ता का बंटवारा कर देना, ये भी एक नया तरीका है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था का गठन करने का। एंड तीसरा देखो जो पॉइंट है, भारत एंड बेल्जियम और स्पेन, संघीय व्यवस्था का तरीका, जो भारत है और बेल्जियम है और स्पेन है उसका संघीय व्यवस्था का तरीका। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब दूसरा शासन, संघीय शासन व्यवस्था का गठन है, ये तीन तरीके आपको समझ में आ गए। और यहां आप देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहां कह रहा है कि चुनौतियों का क्या अर्थ है, जैसे लोकतंत्र में जो चुनौतियां होती हैं उनका क्या अर्थ है, चुनौतियों को आप परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या कहना है उत्तर में कि चुनौतियों का अर्थ है, जो चुनौतियां हैं उसका अर्थ है कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली वे बाधाएं, जो लोकतंत्र की मार्ग है उसमें आने वाली वे बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना, जो दूर नहीं किया जाता और लोकतंत्र का विकास संभव नहीं होता, अगर उसे आप दूर नहीं करोगे, जो चुनौतियां हैं, जैसे आपके पास चुनौती है 90% लाने का, तो आप दूर नहीं करोगे तो फिर आपका विकास नहीं होगा। उसी प्रकार से जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों का अर्थ है कि लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली वे बाधाएं जिन्हें दूर किए बिना, मतलब दूर किए बिना, जो अगर कहो लोकतंत्र का विकास हो जाए
तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। यह है चुनौतियां, वो लोकतंत्र के समक्ष आती रहती हैं। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और आई होप कि 8 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 9 में यह कह रहा है कि औसत आय का अर्थ लिखिए। अच्छा, औसत आय का नाम सुना है, चलो ठीक है, लेकिन औसत आय को किसी और नाम से जाना जाता है, वो आपने नाम सुना है कि नहीं? मैंने पढ़ाया भी है, औसत आय का दूसरा नाम क्या है जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं, इसको भी याद रखना, ये ज्यादा फेमस है जो मैं दूसरा लिख रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है औसत आय। क्या होता है? औसत आय। लेकिन प्रति व्यक्ति आय और जो औसत आय होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो फिर आप वही जानना जो औसत आय बता रहा हूं, ठीक है? देखो, किसी देश की कुल आय, कोई भी देश है, जैसे कोई भी देश है, उसकी जो कुल आय है, मतलब पूरा आय, पूरे देश में जो जनसंख्या है उसकी पूरी आय, ठीक है, कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, जो कुल जनसंख्या है, जैसे चाहे मतलब कुल आय जितने लोग हैं उनकी जितनी कमाई है वो सारी चीजें, और फिर जितनी जनसंख्या है उतना, ठीक, भाग देने पर क्या होता है, प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। औसत आय का मतलब है एक एक व्यक्तियों का आय, और अगर आप जितना अर्निंग है उससे आप पूरी जनसंख्या में भाग दोगे तो एक एक व्यक्ति का आय निकल आएगा। इसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं एंड औसत आय भी कहते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय और औसत आय क्या है। ये मैंने बता दिया कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन केवल नाम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, चाहे प्रति व्यक्ति आय कहो या फिर औसत आय कहो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही है, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहां क्या कह रहा है कि जो कोपरा कानून क्या है, क्या है कोपरा कानून? नाम सुना होगा, नहीं सुने हो तो फिर आप लोग जल्दी ही अगर चैप्टर पढ़ते जाओगे ना सोशल साइंस का, तो फिर इसको भी जानोगे कोपरा कानून क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो सन 1986 की बात है, 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, ठीक है, और यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 कानून बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। देखो 1986 में क्या हुआ कि एक कानून बनाया गया जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है, और हाँ, जो भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया कि यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो आपका 1986 का कानून बनाया गया, और जो 1986 का कानून बनाया गया ना, उसी को हम लोग कहते हैं कोपरा कानून, ठीक है। तो ये है हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया था कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन वाले वीडियो जल्द ही आने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। लेकिन आप लोग क्या करो, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, और जितना चीजें बताया गया उसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट कर लो, 4 नंबर एंड 5 नंबर, ठीक है, 6 नंबर आपका यहां है, ठीक है, खनिज क्या है, 7 नंबर संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका, 8 नंबर आपका चुनौतियां, चुनौतियों से आप क्या समझते हो, एंड 9 नंबर आपका है औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, एंड 10 नंबर है कोपरा कानून। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।